नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 जून 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019- दो हज़ार बैच के लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे अगर आपके घर में भाई बहन दोस्त यार कोई डीएलएड करना चाहता है तो आज से दोस्तों डी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है जी हाँ दोस्तों पंद्रह जून दो से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और इसकी अंतिम तारीख है छः जुलाई दो आपको एक बात तो पता होगी कि भैया शुरू में तो अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो जाता है बाद में वेबसाइट डाउन हो जाती है तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है आवेदन करना चाहता है तो आप उनको ये बात बता दीजिएगा वीडियो उन तक पहुँचा दीजिएगा शेयर कर देना है देखिए मेन यहाँ एक और बात है आपको पता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में बी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए अगर ऐसा होता है तो डी एल एड ही दोस्तों सबसे बेहतर विकल्प होगा नौकरी पाने के लिए सरकारी टीचर बनने के लिए एक और बड़ी खबर थी कि यूपी पुलिस में होगी चालीस हजार पदों पर भर्ती योगी कैबिनेट ने दी है मंजूरी जी हाँ दोस्त ये भी बड़ी खबर है तो जो वैकेंसी देखिए इस समय तो वैसे आ ही नहीं रही है लेकिन जो आ रही है तो वहां पर आपको तैयार रहना है ठीक है हर एक वैकेंसी में दोस्तों आपको प्रयास करते रहना है कि कहां पर नौकरी मिल जाए कैसे कैसे उसके बाद अगली अपडेट में हम लोग बात करेंगे प्रेस विज्ञप्ति सत्ताईस हजार टीजीटी पी जी टी, टी विज्ञापी जारी विज्ञापन को मतलब जारी कराने को आंदोलन का किया गया आगाज अनिल सिंह पूरी अपडेट देखेंगे एक तो दोस्तों यहाँ वैकेंसी आई है उसके बाद बच्चे चाहते हैं कि ज्यादा पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए ठीक है टी वैकेंसी के बाद एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें तो आप देख सकते हैं कि टी जी के बाद नई एल ग्रेड भर्ती का इंतजार है यहाँ पर भी दोस्तों मौका सिर्फ बी के छात्रों को दिया जाएगा डी के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो इस बात को जरा आपको ध्यान रखना है और उसके बाद पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे जी जिया दोस्तों क्या मामला है देखते हैं तो फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस इस यहाँ देखेंगे ठीक है बाकी डीएलएड बैक पेपर छात्र रिजल्ट इंतजार में जी हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहाँ से आप लोग डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्कॉलरशिप का स्टेटस देख पाएंगे उसके बाद जो हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है पूरी अपडेट आप देख पाएंगे ठीक है लगातार चेक कर रही है जैसे लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे बाकी दोस्तों हमारी यूपी टेट सी टेट सुपर टेट की जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे चलिए एक एक करके आज के पहले बड़ी अपडेट को देखते हैं और इस अपडेट को भी जरा देखिए बी के सबसे ज़्यादा आवेदन इस जिले में कम आवेदन वाले जिले और ज़्यादा आवेदन वाले जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या देखें जी हाँ दोस्तों बी में भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है ठीक है आवेदन लिए जा रहे हैं तो पूरी अपडेट को हम कवर करते रहेंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टी टी की यहाँ पर मौका वैसे डीएलएड छात्रों को नहीं मिला लेकिन पी दोस्तों वैकेंसी जी हाँ दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी भैया जो आंदोलन है वो लगातार जारी है जैसे ही विज्ञापन आएगा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे लेकिन यहाँ पर फेल छात्रों को झटका लग जाएगा जब तक जिन बच्चों की बैक है बैक क्लियर नहीं होती रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको मौका नहीं मिल पाएगा तो मामला क्या है बीस जून को राजधानी के इको गार्डन में उतरेगा जन सैलाब ठीक है चिलचिलाती धूप में छात्रों ने चैन बोर्ड पर किया प्रदर्शन सत्ताईस हजार टी जी पदों पर विज्ञापन के मुद्दे पर निर्णय शासन स्तर पर ही संभव है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकता उक्त बातें चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन में जुटे छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के दौरान उप सचिव श्री नवल किशोर ने कही जब उनके समक्ष दो जुलाई दो को चयन संख्याओं संस्थाओं की मतलब मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चयन बोर्ड में सत्ताईस हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश की खबर को दिखाया गया तो इस संबंध में उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि फिलहाल चयन बोर्ड के पास सत्ताईस हजार पदों को विज्ञापित करने संबंधी शासन स्तर से आदेश प्राप्त प्राप्त नहीं है चयन संस्था को जो भी प्राप्त हुआ उन पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है तदर्थ शिक्षकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कर मतलब प्रबंधकों द्वारा अधियाचन न भेजने और उनके वेतन निर्गत करने पर लगाई गई रोक पर उन्होंने बताया कि इस मामले में शासन स्तर पर विचार कर गठित मतलब कमेटी ने बेमन न देने का निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व भी सभी संस्थानों को है बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे इस अपडेट में उसके बाद देख सकते हैं बरेली से क्या अपडेट आई देखिए बी करके शिक्षक बनने की होड़ में प्रयागराज के छात्र सबसे आगे हैं वही श्रावस्ती के छात्र इसमें सबसे पीछे हैं ठीक है प्रवेश परीक्षा के लिए आए आवेदन यही संकेत दे रहे हैं प्रदेश में सबसे ज्यादा साठ आवेदन प्रयागराज से आए हैं सबसे कम चार आवेदन श्रावस्ती से आए हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कहाँ पर आवेदन सबसे ज्यादा हो रहा है और कहाँ पर आवेदन सबसे कम हो रहा है ठीक है उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक है पिता की बनाई संपत्ति पर भी बेटी का कानूनी हक पिता की बनाई संपत्ति ठीक है का मतलब कानूनी हक नई दिल्ली तो अपडेट क्या जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि पिता की स्व अर्जित संपत्ति में उसकी बेटी का बेटे के बराबर एक समान हिस्सा होगा जस्टिस एस ए नजीर और विक्रमनाथ की पीठ ने सोमवार को यह व्यवस्था देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया जिसमें बेटी को इस संपत्ति में सिर्फ एक चौथाई हिस्सा देने का आदेश दिया गया था मामले के अनुसार पुतन्ना की एक बेटी और एक बेटा थे पुतना के पास दो संपत्तियां थीं एक पैत्रक और दूसरी एक कृषि भूमि थी जो उन्होंने खुद अर्जित की थी पुतना की मृत्यु के बाद बेटी ने 1990 में संपत्ति बंटवारे के लिए वाद दाखिल किया ट्रायल कोर्ट के ने मतलब पैत्रक संपत्ति में स्वकम्मा के एक चौथाई व स्व अर्जित संपत्ति में हादा हिस्सा देने का आदेश दिया इस फैसले को उसके भाई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर उसे स्व अर्जी संपत्ति में एक चौथाई हिस्सा देने का आदेश दिया है इस फैसले के बाद सौकमर सुप्रीम कोर्ट आई थी ठीक है ये अपडेट है उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि टी जी के बाद नई एल्टी ग्रेड भर्ती का इंतजार प्रयागराज से अपडेट है प्रदेश के की शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है चार साल पहले एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था सोचिए चार साल हो गए वैकेंसी आए हुए नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यू को पदों का अधियाचन मिल चुका है अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 8 जून को टी जी, टी, जी टी के चार पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया था इनमें टीजीटी के तीन हजार पांच सौ उनतालीस और पीजीटी के छह सौ चौबीस पद शामिल हैं प्रतियोगी छात्र अब मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें और आवेदन प्रक्रिया शुरू करें तो दोस्तों ये बड़ी खबर जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं थे ठीक है तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे वैसे आपको बता दें आज से जो डी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है ये बात आप बताइएगा अपने घर में जो भी अगर आपके घर में कुछ एडमिशन लेना चाहते हैं ये बड़ी खबर है और दोस्तों आपको बता दें आज भी डीएलएड एक बेहतर विकल्प है लेकिन बीएड को अगर प्राथमिक भर्ती से बाहर किया जाए तभी अगर मामला कोर्ट में अगर बीएड जीत जाता है उनको बाहर नहीं किया जाता तब तो भैया बीएड छात्रों की ही बल्ले बल्ले क्योंकि आपको पता है कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है ठीक है या दोस्तों अभी एल की वैकेंसी आएगी वहाँ पर सिर्फ बी के छात्रों को मौका मिलेगा बाकी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बी छात्रों को मौका मिलेगा तब फिर डी करने का फायदा ही किया ठीक है तो बेहतर विकल्प डीएलएड तभी रहेगा जब बी छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए मामला कोर्ट में कुछ भी संभव है ठीक है बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं यूपीटेट सीटेट के हर एक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं ठीक है मिलते एक और वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड